आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद आज बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने दातागंज तहसील के नगरिया खनू में गंगा नदी पर 45 करोड़ की लागत से बने पुल का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर विकास कार्य कर रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री महेश चंद्र गुप्ता सहित सभी भाजपा विधायक और नेता मौजूद रहे। ये परिवर्तन कोई आसानी से नहीं आता है, जो आप महसूस कर रहे होंगे। पाप, परिश्रम, त्याग, तपस्या, नेतृत्व, विचार, दल चाहिए होता है जो सभी बाधाओं को दूर करके परिवर्तन लाए, जिसे जनता महसूस करे। वरना परिवर्तन तो सिर्फ नारों में रह जाता है, किताबों में रह जाता है, मंत्रालयों की फाइलों में रह जाता है। अगर आज आप लोग सारे का विकास का परिवर्तन उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हो, यह सेतु कितने कठिनाइयों बुजुर्ग लोग बताएंगे कैसे पार होती होगी यह आपकी नदी। ताजमहल खूबसूरती का प्रतीक है। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल को देखने के लिए हर रोज हजारों देसी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ताजमहल के दीदार करने की बेकरारी उनके हाव भाव में दिखाई देती है, और जब वो ताजमहल का दीदार करते हैं तो वो इसे वहाँ ताज कहना नहीं भूलते। लेकिन ताजमहल के पीछे बह रही यमुना के किनारे प्रदूषण इतना ज्यादा है कि अगर कोई पर्यटक इसे देखता है तो आगरा की गलत छवि भी अपने साथ लेकर जाता है। ताज के पीछे बह रही यमुना पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। कई जगहों पर कूड़ा करकट भी देखा जा सकता है और कूड़े का ढेर इतना भी लगा है कि जो कि ताजमहल और आगरा की स्मार्ट छवि पर दाग लगा रहा है। मणिपुर की रहने वाली 11 साल की लकी प्रिया ने यमुना के पीछे एक फोटो खींच उसे ट्वीट कर दिया। उसके बाद हड़कंप मच गया। आज सुबह नगर निगम की कई टीम मौके पर पहुंची और विशेष सफाई अभियान चलाया है। तो एक मासूम सी बच्ची ने एक फोटो क्लिक किया, उसके बाद नगर निगम जो है वो हड़कंप मच गया, उसमें वो हरकत में आया। लेकिन उससे पहले सब कुछ आंखें मूंदे सब बैठे हुए थे। पहले तो वो विदेशी महिला नहीं है, वो यही मणिपुर की भारत की एक लड़की है, 10 या 11 वर्ष की, और बड़ी फेमस लड़की है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। दूसरा विषय ये कि जो उन्होंने फोटो डाली है वो एक सच्चाई बयां कर रही है, और कहीं ना कहीं ये हम लोग इससे जूझ भी रहे। ये फोटो वैसे कल की नहीं है, ये फोटो थोड़ी पुरानी है। होता यह है कि गर्मियों के समय पानी जब नीचे उतरता है तो नदी में जो भी पॉलिथीन वगैरह है वो तट के पास आके वहाँ इकट्ठा हो जाती है। उसके लिए निरंतर हम लोग पर डे अपनी जो सफाई टीम है उसके माध्यम से उसकी क्लीनिंग भी कराते हैं। कोटद्वार में लगातार अवैध अतिक्रमण अपने पांव पसार रहा है, जिसको हटाने में प्रशासन बौना साबित हो रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज नगर निगम प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर अपना डंडा चलाया और सुबह से ही मशीनों के माध्यम से अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों के साथ प्रशासन की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। नगर निगम प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने के लिए अपील की। इससे पहले नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए व्यापारियों और स्थानीय लोगों को तय समय पर स्व अतिक्रमण हटाने के लिए कहा था, जिसमें से अधिकांश व्यापारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसमें आज नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी। इस दौरान नगर आयुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में यह अतिक्रमण हटाया गया है। के आदेश के क्रम में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने अतिक्रमण जो है ना, हमारे 52 या 53 अतिक्रमण चिन्हित थे, उसमें सबको आंशिक रूप से अध्यस्त किया गया, सभी लोगों ने कमेंट किया और पूर्ण रूप से अपना अतिक्रमण हटा देंगे। जिस पर अध्यस्त किया जाना संभव इससे नहीं पा रहे, क्योंकि नहीं तो उनकी होल बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, जिसमें उनको और होल बिल्डिंग आने की संभावना है नीचे। गुलर भोज पुलिस चौकी के समीप आवासीय इलाके में सिंचाई विभाग के जमीन पर स्थित वर्षों पुराना विशालकाय पेड़ जर्जर पड़ा है। वहां रहने वाले कई परिवारों के साथ ही मार्ग का उपयोग करने वाले राहगीरों के लिए खतरे का सबब बन गया है। कई पेड़ों के जड़ से एकदम खोखले हो चुके हैं और जड़ भी दिखने लगी है। इस पेड़ के आसपास रहने वाले लोग
डर के साय में जीने को मजबूर है। उनका कहना है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूली बच्चे यहाँ से निकलते हैं, स्थानीय लोग निकलते हैं, लेकिन इसे कोई हटा नहीं रहा है। प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि आंधी तूफान में कई बार डर लगा रहता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस पेड़ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग यहाँ पर 60-70 परिवार हैं, और जितने भी घर हैं इनके घर के पीछे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। लगभग 2 सालों से ये जितने भी परिवार हैं सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो है पेड़ कटना चाहिए। हर साल जितनी जब भी आंधी आती है कोई ना कोई घर टूटता है, जान माल की खतरा है, किसी के घर में क्योंकि टूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। शासन से आपने कभी इसके बारे में कोई डिस्कस किया? शासन से जो है हमारे अरविंद पांडे जी के जो है कैंप कार्यालय में यहाँ के जितने भी लोग हैं सब लोग जाकर के कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेड़ का परेशानी है, इतना बड़ा बड़ा पेड़ आंधी से गिर जाएगा तो हमारा हादसा कोई हो जाएगा तो कौन भरेगा? भर दोगे तुम लोग? भर जाएगा? हाँ, हमारा कोई नुकसान हो जाएगा तुम भर दोगे? कोई नहीं भरोगे? काजे काजे पेड़ काट दो हमारा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का परिनिवारण दिवस आज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सिविल अस्पताल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। महान स्वतंत्रता सेनानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद की आज पवन पुण्यतिथि है। 1953 को आज ही के दिन कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने अपना बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान स्वतंत्रता भारत का ऐसा बलिदान था जिसने उसे पूरे देश को जोड़ा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो आंदोलन कश्मीर के लिए किया वो कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ आवाज उठाई थी। लखनऊ के सूरजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैलाश विहार में युवक की हत्या कर दी गई। गृह प्रवेश में शामिल होने आए कानपुर निवासी मानसिंह की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे सरोजनगर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठन उत्तराखंड सहित विभिन्न मजदूर संगठनों ने आज अपनी विभिन्न मांगों के निस्तारणों के लिए भारतीय मजदूर संघ चमोली के बैनर तले थराली ग्वालदम देवाल तिराहे से जुलूस निकालकर उप जिलाधिकारी कार्यालय तक हाथों में अपनी मांगों की तख्तियां बैनर नारेबाजी की। ये जो है भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में भवन एवं सन्निर्माण संगठन की जो पिंडर मंडल हमारा तय हुआ है, जिसमें नारायणगढ़ थराली और देवाल के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके जो संगठन यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर बनाए गए हैं उनके माध्यम से सभी जगहों से महिलाओं पुरुषों और जो सक्रिय कार्यकारिणी के लोग हैं उन लोगों को एकत्रित करके ये ज्ञापन जो है शासन को दिया जा रहा है, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उन मजदूरों की कुछ खास मांग और उसमें खास तौर से अगर रोजगार गारंटी की बात करो तो बात की गई थी रोजगार गारंटी के जो नियमावली थी उसमें श्रम कार्ड की बात की गई थी। आज भी हमारे थराली ब्लॉक में 15 कार्ड भी पूरे नहीं बने हैं 22 साल। हमारी जो यहाँ पर मांगे मेन मांगे हमारी है ये एक तो आशाओं की आशा कार्यकर्ताओं की जो इतने साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और कोविड के कार्यकाल में उनने इतना अच्छा काम किया है, एक डॉक्टर के कंधे से कंधा मिला के उन्हें साथ दिया है, लेकिन उनका न तो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है और न उनको प्रोत्साहन राशि जो 10,000 उनके शासन द्वारा बोली गई थी वो भी नहीं दी गई है। और उनका जो मानदेय है अभी 1800 कोई बड़ी बात नहीं है, तो उनका यह है कि हमारा 18,000 एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए, एक तो ये मांग। दूसरी हमारी श्रमिकों की मांग है, सबसे बड़ी बात है कि श्रमिकों का जो रोजगार में काम करते हैं उनको पूरा दिन का रोजगार ब्लॉक के स्तर से नहीं मिल पा रहा है, जबकि ब्लॉक में ये मानना है कि 100 दिन का सरकार रोजगार देगी लेकिन वो 40 दिन पे सीमित हो जाते हैं। फैजलागंज दाऊदनगर दौलतगंज काशी बिहार मौनीपुरवा को जोड़ने वाली गोमती नदी पर बने पीपे पुल की जगह पक्का पुल बनाए जाने की मांग क्षेत्र के निवासियों द्वारा सालों से की जा रही है। पीपे वाले पुल की जगह पर पक्का पुल बनाए जाने को लेकर SDM से लेकर के मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भी दिया गया, धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाए। इसी कड़ी में आज पुनः क्षेत्र निवासियों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मेयर प्रत्याशी अजय त्रिपाठी मुन्ना
भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय प्रभारी हाफिज जलील अहमद सिद्दीकी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता होरीलाल लोधी, रामचरण पाठक, मनोज मिश्रा, तमाम जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हैं और लगातार इस पर पक्का पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों को और बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध, बाजार से खरीदना पड़ा या कोई चिकित्सकों ने ठीक से बात की, ठीक से इलाज किया कि नहीं किया, ये पूछने के लिए फोन कर आपका संकल्प सरकार का नाम से अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत खुद प्रतिनिधि अलग अलग जिलों में कम से कम 10 मरीज या उनके तीमारदारों से फोन पर बातचीत कर अस्पताल में उपचार के दौरान मिल रही चिकित्सा सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी ले रही है। किस जिले के किस अस्पताल में कौन भर्ती है, जो फोन करेगा उसको तुरंत मदद दी जाएगी। कोई बाजार से खरीदना पड़ा या कोई चिकित्सकों ने ठीक से बात की, ठीक से इलाज किया कि नहीं किया, ये पूछने के लिए फोन कर रहे हैं लखनऊ से हम। अच्छा, डायलिसिस में दवाई बाहर से लिख रहे हैं ना? किस किस हॉस्पिटल में थे आप? अच्छा, एटा जिला अस्पताल में। अच्छा जी। अच्छा ठीक है, कौन डॉक्टर लिखा था भैया? कौन डॉक्टर लिखा था, आप डॉक्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं, एटा में जैसे डायलिसिस के लिए आप गए तो बाहर से दवाई जो लिखा वो किस चिकित्सक महोदय ने लिखा था? अच्छा, कौन सी दवाई अस्पताल में नहीं मिलती भैया, नाम बता सकते हैं आप? जिला अस्पताल में मरीजों को पानी की बहुत किल्लत होती थी और गर्मी में पानी से लोगों को तरसते हुए देखा जा सकता था, लेकिन अब सत्यमेव जयते सामाजिक संस्था द्वारा जिला अस्पताल में पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन की बहुत किल्लत होती थी, इसी को ध्यान में रखते हुए सत्यमेव जयते ट्रस्ट सामने आई और अब उनके द्वारा रेबीज के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सक्षम डाबर सामाजिक संस्था द्वारा ओपीडी में आने वाले मरीजों के लिए 10 रुपये में खाने की थाली का बंदोबस्त किया गया है। जिला अस्पताल में देहात क्षेत्र से लोग आते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए सुविधा दी जा रही है ताकि लोगों को खाने और पीने की समस्या से ना जूझना पड़े। निश्चित तौर पर सामाजिक संस्था द्वारा किए गए कार्यों में मरीजों और उनके तीमारदारों को राहत मिलेगी। झांसी में सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों का तमंचे के साथ डिस्को करते हुए एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो वीडियो में झांसी के पुलिस थाने में पुलिसकर्मी तमंचे पर डिस्को के फिल्मी गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में पिस्टल भी दिखाई दे रही है, यानी कि गाना भी और उसको पूरी तरह से कॉपी करते हुए तमंचा भी लहराया जा रहा है। हालांकि ये अब पूरी तरीके से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ साथी कर्मी ऐसे थे पुलिस के जिन्होंने फायर भी किया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और एसएसपी शिवहरी मीना ने बड़ी कार्य करते हुए असला प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी को पूरी तरह से लाइन हाजिर किया है और पिस्टल को जब्त कर FIR दर्ज करा ली है। अलीगढ़ में देर शाम मोबाइल छीनकर भाग रहे बाइक सवार बदमाशों को जनता ने पकड़ लिया। मोबाइल लूटने में बदमाश पूरी तरह से नाकाम हो गए। पब्लिक ने बदमाशों को पीटा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों को हिरासत में लिया है, उनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और बाइक भी बरामद कर ली है। रामपुर में उप लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर मतदान केंद्रों में धीमी गति से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि 2019 सपा नेता आजम खान ने लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा था और वो भारी मतों से विजयी बनकर सांसद बने थे और संसद पहुंचे थे। फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुए तो आजम खान ने सीतापुर जेल में रहकर चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की। इसी साल 2022 में रिक्त हुए लोकसभा सीट पर जून महीने में फिर उप लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा और आज 23 जून को रामपुर जनपद में मतदान हो रहा है। मतदाताओं में उप लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए उत्साह देखा जा सकता है। आपको बता दें कि उप लोकसभा चुनाव सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही है क्योंकि 2024 में पूर्ण रूप से लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन रिक्त हुई सीट पर सांसद रहना भी जरूरी था और इसी मुद्दे पर रामपुर जनपद में मतदान किया जा रहा है।
देश के प्रत्येक नागरिक के पास इस समय आधार कार्ड होना बेहद अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के वो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार लगातार लोगों के आधार कार्ड बनवाने का काम कर रही है, जिसके लिए सीएससी और आधार केंद्र खोले गए हैं। इसके साथ साथ कुछ बैंकों की शाखा में भी आधार कार्ड बनवाने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ में गड़बड़ी हो रही है। ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई गड़बड़ी ना हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा लेकर अवैध वसूली कर रहे हैं और आधार कार्ड बना रहे हैं। 50 से लेकर 100 रुपए तक की फीस जो है वो वसूली जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।